Good morning, students. Welcome to Dayavati Modi Public School. In today's maths class, we will discuss about fractions. Chapter 7, fractions. Actually, fraction is a part of whole. If a whole is divided into equal parts, suppose कीजिए आपकी mother एक pizza लाती है और वो उसके 5 equal parts कर दे, जिसमें से वो उसमें से 2 पीसेस आप ले ले, इट मींस आपने उस पूरे पिज्जा का 2/5 पार्ट आपने ले लिया, 2/5 जो पोर्शन है वो आपने खा लिया. फॉर एग्जांपल 2/5, इन दिस केस 2 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर, मींस एक पूरा पूरे पिज्जा के 5 इक्वल पार्ट्स किए गए, उसका जो हर पार्ट है वो एक फ्रैक्शन है. ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. अगर आपने सपोज कीजिए उसके 2 पीसेस खाए, इट मींस 2/5 पार्ट हैज बीन ईटन बाय यू एंड दिस मिडिल बार इज कॉल्ड फ्रैक्शन बार. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेटा. प्रॉपर फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 3/5, 2/3, 4/9. Look at the screen, all the numerators are lesser than denominator. Improper fraction, the fraction in which denominator is less than numerator. जिसमें बेटा denominator आपका वो छोटा हो numerator से. For example, 5/4, 18/7, 26/15. Come to mixed fraction. A mixed number is a mixture of whole number and a proper fraction. 3/1/4 is a mixed numeral or mixed fraction. We can also call it mixed fraction. In this case, 3 is a whole number and 1/4 is a proper fraction. It is a combination of whole number and a proper fraction. 2/1/2, 3/1/7, these all are mixed number. These all are the combination of a whole number and a proper fraction. Unit fraction, fraction in which numerator is 1. जिस किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा एंड द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. 1/4, 1/16, 1/200 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर यूनिट फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर. आपके पास सपोज कीजिए बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, है ना, 8/12, 7/12, 17/12, मे बी प्रॉपर और मे बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी टाइप का फ्रैक्शन हो लेकिन उनके डिनोमिनेटर इक्वल हो सबके, है ना, उस टाइप के फ्रैक्शन कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन. 8/12, 7/12, 17/12, 23/12, इन ऑल दीज केसेस डिनोमिनेटर इज 12, सो दीज फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन. Unlike fractions, fractions whose denominators are different are called unlike fractions. 4/6, 3/8, 12/15, 23/35, all denominators are unequal. So these types of fractions are called unlike fractions. बेटा suppose कीजिए आपको कोई भी figure दिया है और आपसे ये कहा है कि उसका शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज पर द गिवन फ्रैक्शन, या जो भी आपको फ्रैक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको शेड करना है. तो मैंने आपको पहले भी बताया फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल. सपोज कीजिए ये पूरा एक ट्राइंगल जो है ये पूरा का पूरा होल है, इसके कितने पार्ट किए गए, 2, ओके, और इसके 1 पार्ट को आपको शेड करना है. 1/2 मीन्स इसके कितने पार्ट है टोटल, 2 पार्ट. होल क्या है, ये ट्राइंगल, इसका 2 पार्ट्स हुए हैं, इट मींस इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 और इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं 1, तो आपको इसके एक पार्ट को शेड करना है. इन द सेम वे यू हैव टू डू 1/3, 1/4, 7/8. इन 7/8 देयर आर 8, दिस होल इज डिवाइडेड इनटू 8 कॉलम, 8 पार्ट्स एंड 7 विल बी शेडेड, तो आपको इनको 7 पार्ट्स को शेड करना है. नाउ write the fraction that matches each name. 1/3, 1 is the numerator and 3 is the denominator. 7/9,
बेटा ये बात ध्यान रखिए, जब भी आप डिनोमिनेटर लगाते हैं मैक्सिमम में आपके आप उसमें THS ऐड करते हैं, 7/9, 11/12, 11/20, 11/20. The same way you have to do these questions. अभी आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इसको आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है. क्या है 1/7, इसको आप वर्ड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 इज अ न्यूमरेटर एंड 7 में आप क्या ऐड करेंगे? THS, 1/7, 3/13, 14/17. इन दिस वे यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. 4 out of 5 मींस 5 में से 4, 5 pieces में से 4 आप यू हैव ईटन. 4 out of 5, 5 out of 7, 5/7, 12 out of 19, 12/19. राइट ए फ्रैक्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. अब आप यहां खुद देखिए, यहां कितने मैंगोज हैं? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आर 7, जिसमें से सर्कल में कितने हैं? 4. यू हैव टू राइट 4/7 ऑफ मैंगोज आर इन साइड द सर्कल. टोटल बनानाज कितने हैं? 8. 8 में से ईटन कितने हैं? कितने केले खा लिए गए? 2. 2/8 ऑफ बनानाज हैव बीन ईटन. दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके बच्चों, look at umbrellas. There are some umbrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 umbrellas. What fraction of umbrellas are open? कितने umbrella खुले हुए हैं? ये देखिए. Total number of umbrellas are 7. Open 4. 1, 2, 3, 4. It means 4/7. What fraction of umbrellas are closed? 3. 1, 2, 3. 3/7. What fraction of umbrellas are stripped? कितनों के ऊपर strips हैं, lines हैं? 1, 2, 3, 3/7. What fraction of umbrellas have dots? 1, 2, 3, 4, 4/7. In this way, you have to solve these questions. Okay, this is all for today. Okay, bachcho, now take care.